हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरे बैच हारिस एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो भाई आज तक कुछ ऐसा है कि आज है अभी का, अगर आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा और जिसके अंदर मैंने बेबी की जैसे कि डेकोरेशन की थी, बास्केट वगैरह बनाई थी, तो आज लगता है आज मेरी सुबह हो गई 11:30 बजे पर हम लोग को जाना है वेडिंग पर डेकोरेशन करने। मैंने पहले भी अपने कज़न की अकीके पर डेकोरेशन की थी, हम लोग खुद कर रहे थे, तो मैंने आज अपने प्यारे से मुन्ने की भी डेकोरेशन करते थे जाकर। तो एक स्पेक्शन भी हमारे साथ हो गया था, वो वेन्यू का हुआ था। वेन्यू पे हमारा कल रात वेन्यू चेंज हुआ हमारा एक दिन पहले, क्योंकि वेन्यू के जो थे वो एसी वगैरह ख़राब हो गए थे। उन्होंने कहा आप एडजस्ट कर सकते हैं, हमने कहा नहीं हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हमने वो चेंज कराया। उसके बाद जो है रात के 2 बजे थे हम वो करते रहते, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके वेन्यू पे चलते हैं डेकोरेशन के लिए, जब तक हम मेरा रात वाला क्लिप थे रात का सीन किया वहाँ के, हमने कहीं और बुक कर लिया था वेन्यू, लेकिन आज जब उसको देखने गए तो बिल्कुल हमें समझ नहीं आया वो, और जो वेन्यू वाले थे वो भी बिल्कुल बहुत ही बुरे थे और बिहेवियर अच्छा नहीं था, बिहेवियर अच्छा नहीं था उनका बहुत। तो आज कहाँ आए हैं? तो आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारा जो न्यू वेन्यू शाने अभी भी जिन्होंने हमें ये इन्होंने डील किया है, साथ में बहुत अच्छे इन्होंने बहुत कॉपरेट किया हमारे साथ, देखा आ जाए बहुत कॉपरेट किया बहुत अच्छे हैं। और टाइम बताएं क्या हो रहा है इस टाइम, कितने बजे आए आप? तकरीबन 2:30 बजे इनके पास आए। हाँ हमारा नसीब था कि कल का डेट अभी था। हाँ बाकी कल हम आपको सारी डेकोरेशन दिखाएंगे और हॉल की लोकेशन दिखाएंगे, जहाँ हम गए वहाँ हमें पसंद नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर आ गए, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मैं आपको कल जब डेकोरेशन कराऊंगी तब दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया, हम लोग जा रहे हैं वेन्यू, मैच चल रहा है, यहाँ भी मैच देख रहे हैं, डेकोरेशन के लिए जा रहे हैं, उनका मैच चल रहा है। कैसे एडजस्ट हुए हैं गाड़ी में सारे डेकोरेशन के लिए हैं ये सारे, ये मम्मा भी हैं, मम्मा ने बोला है कि जब तक मैं तैयार ना हो जाऊँ मुझे नहीं लेना, बर्दाश्त नहीं होगी तैयार होने के बाद लेंगे। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे तो गेट ही बंद है यार, क्या देख रहे हो तुम मुझे ऐसे देख रहे हैं मुझे ब्लॉग में देखना। और एक बंगी भी आया हमारे साथ डेकोरेशन के लिए, और उनको देखो वो दरवाजे पे खड़े हुए, दरवाजे ही बंद है, हम लोग आ गए यहाँ पर, पर हमने बोला था कि हम जल्दी आ जाएंगे, खुला जाएगा कॉल वगैरह करके। ये है हमारा वेन्यू जिसको हम डेकोर करने आ गए सुबह सुबह, अपना सारा सामान यहाँ रखते हैं। क्या स्टार्ट करो जो करने आया डेकोरेशन, तो करें आप करें, आपको किस लिए लाए? एक फूल कर आ गए, मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं। सब काम में लगे हैं, हम भी बना रहे हैं, मुझे उसकी ट्रेक आती है बनाने की उसको और वो फूल पुश कर दिया मुझे, तुमने तो बेइज्जती करा दी। ये वाले बलून्स के स्ट्रिप तो बनने पे पूरी होने वाली है, और एक और डिज़ाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बन जाए जिसमें से इतने सारे तो फाड़ चुके हैं, ये 3 बन चुके हैं यहाँ पे, और ये सारी गंदगी कर रही है, और ये सिर्फ मैच देखना है। कर लिया मैंने अपना काम इतने गुब्बारे फुलाए तो मैंने लिए ही नहीं, तो साथ तो बना ही सकते, पंखे की आवाज़ आ रही है इतना बस, ये बैठी हुई पंखे की हवा खा रही है यहाँ पे, गर्मी लग रही है, बलून की वजह से चला सकते हैं, और अभी वहाँ पे सारा सेटअप हो रहा बैलून का, बस पर देखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है। तो भाई अभी स्टैंड आ गया जिस पर हम बैठे ला रही है, तो मैंने कहा था स्टैंड आप वो खुद दे देंगे, तो पार्टीशन का स्टैंड होता है ना, मैंने कहा था उसे पे लगा देना, तो देखते हैं क्या होता है। ये स्टैंड है और यहाँ पे ये बैलून का पूरी सारी तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा, मेरा ब्लॉग बना रहा है। तो ये स्टैंड लगा रहे हैं जिस पे बैलून लगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है, बस यही काम हुआ उसके बाद। बस मैं उसका व्लॉग पसंद कर लिया, कैसे बनना पता नहीं। आखिर में अगर आपको हमसे काम करवाना हो तो हम हमारा नंबर नीचे आएगा, हम कांटेक्ट करें, हम बलून खिलाने में माहिर हैं। बस थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, पर आ जाएंगे आपके बजट में, बलून लेके जा रहे हैं ये लोग, जो स्टैंड हमने लगाया था ना। हाँ लंबे कद का यही फायदा होता है, पर नुकसान भी होता है, हर काम करना पड़ता है। वो चीज उठा पहले खड़ी हो, ये सोच रहे कौन से पोजीशन में लगाएं इसको।
कारीगरी चेक करें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। डेकोरेशन हम लोग की घर डन हो गई, अब जा रहे हैं घर। ये इनकी हालत चेक कर सकते हैं डेकोरेशन कर करके। अब्बा गया ना, अब जा रहे हैं घर रेडी होने। तो रेडी होने के बाद मिलते हैं। रेडी हो गए सब। कौन आगे मुझसे मैसेज सुनवा रही हूँ, कुछ भी दिखाने का टाइम नहीं मिला। ये मुझ भी रेडी है। अब कमरा तो बिल्कुल मैं दिखा सकती, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। वहाँ जाके दिखाऊंगी मैं भी। यस, आज न्यू लुक में व्लॉग बनाएंगे। आई एम हेयर, सो रेडी हो चुकी। आज न्यू लुक में आई हूँ थोड़ा सा। क्या मम्मा भी आ गई? अब ये देख रही थी भाई सबको। एक चुहिया ये हमारे पाँव में घूम रही है। मनिया स्टैंड अप, स्टैंड अप। सो मैं अभी आपको पूरे हॉल की डेकोरेशन दिखाती हूँ, सब दिखाती हूँ। ये माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस, इनका देखें कहाँ जा रहा है इवेंट। आ जाओ कम है ये। इनकी भी दो दिन बाद बर्थडे। लेट्स वॉक। मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। ये दिस इज माय फुल लुक। यस, ये जो है बहुत मुश्किलों के बाद डिज़ाइन किया है, क्योंकि मेरे कपड़े इतने आसानी से डिज़ाइन नहीं होते। और हो गई ये हमारा क्यूट लिटिल प्रिंसेस। ओ प्रिंसेस, सॉरी प्रिंसेस की आदत है हमारा प्रिंस ही कुर्ता शलवार पहने में बहुत प्यारा सा। हटाओ, हाथ हटा के दिखाओ। पेज नहीं ले ली, माशाल्लाह। अल्लाह कर दो। उफ अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का। और यहाँ मनिया मैं वीडियो बनाने लगे थे, पीछे नहाते चलती थी जिसकी वजह से मैं आवाज़ नहीं डाल सकती, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है मम्मा मोबाइल को गिफ्ट दे रही थी, गिफ्ट देते पिक्चर खिंचवा। अभी ये नहीं, मेरा पिक्चर खिंचा रही है यहाँ पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इसके साथ मिली हूँ। समझ गए होंगे कौन, नहीं पता तो बता देती दोस्त। इससे मैंने एक जवाब भी बनाया था। पर इनका जो है एंट्री हो रही है, और ये एंट्री कार्ड ही मैंने नेट से देखा तो मैंने सोचा इसमें भी करना चाहिए, अच्छा लगेगा। नाम मोबाइल की ड्रेसिंग चेंज हो रही है। नाम मैंने वैसे ही बता दिया, मैंने सोचा था कि रिवील करूँगी, वैसे मैं इतनी बता था बोलती हूँ हुमायूं हुमायूं मोहम्मद हुमायूं नाम है। तो अभी यहाँ पे इनकी ड्रेसिंग हो रही है। ड्रेसिंग करने पर दूसरा सूट दिखाऊंगी फेस के साथ ही, बिना फेस के। और ये मोहम्मद हुमायूं का किया केक भी आ गया, और यहाँ केक कटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी है। सना के इन लॉस खड़े होते जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी फ्रंट से। और ये मोहम्मद हुमायूं का हाथ आ रहा है, ये बिल्कुल सो रहे थे, इनको कुछ पता ही नहीं इनका केक कटिंग हो रही थी। इवेंट वगैरह सारा हो गया, बहुत ज़्यादा हेड लग, मुझे लग रहा है हर वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे। और कोई नहीं, मैं नहीं खा रही। नहीं, अपने आप से खाने की आदत, किरण खिलाओ। नहीं, मुझे इन्होंने जो रखा है ना खाने में, पुलाव मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। अच्छा मैं नहीं खाऊँ, मैं कढ़ाई से गोश्त किया। और अब बंद करवाया पीछे से जो नाच चल रही थी, मैं ब्लॉग तो बना लूँ, हर किसी में वॉइस ओवर हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल भी सो रहा है। ड्रेसिंग चेंज हो गई। मनिया मुझे दे दो रोटी, मुझे दे दो एक। गुस्सा कैसे करती है मनी? नो, गाड़ी जाने को पारू दो। गुस्सा कर रही। खाने के टाइम मनिया को डिस्टर्ब ना करे कोई, है ना। और वापस सब जाने की तैयारी, शोर इतना हो रहा है, सब लोग ऐसे वापस हो गए थे खाने के टाइम। अभी टेबले वगैरह सब सेट हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, और ब्लॉगिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी सब चल रहे हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। सारा एंड हो गया, अभी सारी डेकोरेशन इन लोगों ने ख़राब कर दी, सब घेर के रख दिया सारे। तो इवेंट हो गया था एंड, और मैं घर आ चुकी हूँ। इवेंट के एंड में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बना सकी। तो अभी पीछे अगर आपको नजर आओ तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कहीं भी इवेंट हो तो ऐसे होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। हुमायूं का फेस भी जल्दी रिवील करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए, वो बहुत छोटा है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।